दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi 10A या तो Redmi 10। और ये जो मोबाइल है इसमें प्रॉब्लम है, मोबाइल ऑन है लेकिन डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा है। आप लोग देख सकते हो मोबाइल कितना बैंड है, क्योंकि मोबाइल जो है गिर गया था, और गिर गया नहीं, टेबल में रखा था और उसके ऊपर बैठ गए, तो ये जो मोबाइल है पूरा बैंड हो गया। कस्टमर का बोलने का मतलब है कि ये जो मोबाइल है कुछ देर चला, एक दो घंटा चला, उसके बाद डिस्प्ले का लाइट बंद हो गया। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या सलूशन है, मैंने दूसरा डिस्प्ले लगा के भी देख लिया, इसमें डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा है। तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये मोबाइल, अगर आपका कोई भी मोबाइल ऐसे बैंड हो जाता है या तो किसी भी कारण के चलते आपका मोबाइल का डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाता है, डिस्प्ले ब्लैक हो जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हो। डिस्प्ले तो नहीं चेंज करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर डिस्प्ले प्रॉब्लम होगा तो डिस्प्ले चेंज करने से लाइट आ जाएगा, लेकिन इसमें डिस्प्ले का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैं इसको बैटरी खोल के एक बार लगाया, मोबाइल तो ऑन था। देखना, इधर MI का लोगो भी आएगा, मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश भी करूँगा। मोबाइल प्रॉपर ऑन हो रहा है, देखिए वाइब्रेशन हुआ, और इधर अगर आपको दिख रहा है, विजिबल अगर हो रहा है, तो MI का लोगो आ रहा है, देखिए। तो मोबाइल ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा है। तो देखिए, अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम हुआ है, पहले जाके आप डिस्प्ले चेंज कीजिए। डिस्प्ले बाहर से, मतलब इसको खोलने का जरूरत नहीं है, बाहर से इस कनेक्टर को निकाल दीजिए, दूसरा डिस्प्ले लगा के एक बार ट्राई कर लीजिए। हो सके कि आपका डिस्प्ले लगाने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर डिस्प्ले लगाने से नहीं होता है तो आप इस कनेक्टर को देख सकते हो, ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर भी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो कनेक्टर का अगल बगल में कोई अगर कंपोनेंट उखड़ गया है तो उसको भी ठीक करके देख सकते हो, या तो ये वाला कनेक्टर, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पे टूट फूट गया है। तो ये सब पहले अच्छा से चेक कर लेना। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो आपका डिस्प्ले का लाइट IC या तो लाइट कॉयल, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि देखिए ये जो है ये सब दब गया था, ये वाला एक तो पूरा दब के लग गया था। देखिए, ये जैसे दब गया ना, ऐसे दब गया था, दब जाने से आपका क्या होता है ना, शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने से क्या होता है ना, डिस्प्ले का लाइट कॉयल, लाइट IC खराब हो जाता है, उसके केसेस में आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं होता है तो आपका ये जो ट्रैक होता है लाइट IC से, जो ये कनेक्टर में ट्रैक होता है ना, वो ट्रैक मिसिंग होता है, क्योंकि मदरबोर्ड बैंड हुआ होता है। देखिए, ये मदरबोर्ड भी थोड़ा सा बैंड हुआ है, इसको मैंने सीधा कर दिया था। तो मदरबोर्ड जब बैंड होता है तो ट्रैक मिसिंग हो जाता है, उस केसेस में क्या होता है ना, डिस्प्ले का लाइट टोटली बंद हो जाता है। आपको देखना पड़ेगा सिमेस्टिक में देख के, इसको आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, देख के कहाँ पे क्या ट्रैक गया है, लाइट ट्रैक कौन सा है, जंपर लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते, पहले तो एक काम करना, अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम हुआ है तो वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर बटन, तीनों बटन को एक साथ दबा के रखना, मोबाइल बंद होकर ऑन होगा, रीबूट होगा, और आपका प्रॉब्लम हो सके कि डिस्प्ले में लाइट आ जाए। अगर नहीं हुआ तो डिस्प्ले चेक करके देखना, डिस्प्ले दूसरा डिस्प्ले लगा के देखना, नहीं तो मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे, अगर आप टेक्नीशियन हो, आप ऐसे करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।